नागरकाटा में भूटानी पहाड़ों में प्रबल वृष्टिपात होने के कारण नागरकाटा प्रखंड के आंगरा भाषा एक नंबर ग्राम पंचायत के हृदयपुर केलाबाड़ी बस्ती और कई बस्तियों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि 100 से अधिक बीघा जमीन पर नदी में डूब चुका है। अब किसी भी समय में ये डर है कि नदी गाँव में प्रवेश कर सकती है और पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में आ सकता है। स्थानीय राजीन फ्यूल ने कहा कि स्थिति काफी भयावह हो रही है। यह बात बताने के लिए प्रशासन और सिंचाई विभाग को पिछले कुछ साल पहले ही ध्यान आकर्षण करा दिया था, लेकिन आज तक कुछ भी काम नहीं हुआ। कई बीघा जमीन नदी के नीचे चला गया है। हमारी बस्ती और आसपास के गांव रहेंगे या नहीं, यह संशय बना हुआ है। अनि तपाईहरुको डाइना खोलाको के छ अवस्था? त्यही त विगतको केही दिन देखिन लगातार वर्षा भएको कारणले डाइना नदी यति बढेर आएको छ कि हाम्रो हृदयपुर अनि कलाबाडी बस्ती निकै बिगार्दै छ। त्यहाँको कृषि योग्य जमिन धेरै ठाउँ पानी पसेर पुली पसेर खेती गरेको बाली नष्ट गरेको छ। एकदम भयावह अवस्था छ। हामीले विगतका दुई चार वर्षदेखि इरिगेसनलाई पनि जानकारी गरायौँ, बिडिओ अफिसमा पनि धेरैपल्ट जानकारी गरौँ। अगाडिको बिडिओ म्याडम दुई तिनपल्ट भिजिट पनि गर्नुभयो। अहिले आउनुभएको मण्डल सरलाई पनि हामीले जानकारी गरायौँ, तर अहिलेसम्म प्रशासनिक तर्फबाट केही पनि सहयोग हामीले पाएको छैनौँ। एकदम भयावह अवस्था छ। कलाबाडी बस्तीमा निकै मान्छेको जमिन बिगारेको छ। कमसेकम 150-200 बिघा जमिन बिग्रिसकेको छ। र म तपाईँको यसै च्यानलको माध्यमबाट प्रशासनलाई अवगत गराउन चाहन्छु कि अति शीघ्र यदि यहाँ बाँध निर्माणको काम भएन भने यहाँ कुनै गाउँ थियो भन्ने एउटा नाम मात्र रहन्छ। कारण गाउँ अब रहँदैन, जुन प्रकारको नदीले रूप लिँदैछ अब गाउँ थियो भन्ने मात्रै हुन्छ भविष्यमा। र म प्रशासनलाई आकर्षित गर्न चाहन्छु तपाईँको यो च्यानलको माध्यमबाट जति छिटो हुन्छ यसको निर्माणको काम गरियोस्। यो समस्या भनेको त धेरै पहिलेदेखिको होइन? हो नि, यो समस्या धेरै वर्षदेखिको हो। हामीले 4-5 वर्षदेखि लगातार प्रशासनिक रूपमा बिडिओलाई र इरिगेसन डिपार्टमेन्टलाई मैले पटक पटक जलपाइगुडी हाम्रो बाणाहाट इरिगेसनलाई पनि जानकारी गराएँ, बिडिओलाई पनि जानकारी गराएँ। म राजन फुयाल, आङ्ग्रा भाषा वान।